हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल आया है पीएम नरेंद्र मोदी जी का, जो रूस का दौरा हुआ था। तो अब इस पे जो यूक्रेन है, यूक्रेन से अभी विरोध प्रकट जाहिर कराया है भारत ने, तो इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अमेरिका का भी देखेंगे तो बयान आया था यहाँ पे कि भारत को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, रूस से ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए, और फिर रूस से नज़दीकी बढ़ाना यानी कि पूरी तरह से खुल के रूस का सपोर्ट करना है, जो कि यूक्रेन के साथ वो सही नहीं कर रहा है। देखेंगे तो विस्तारवादी कंट्री इनको बताया गया है, एक्सपेंशन पॉलिसी ये लोग अपना रहे हैं, चाइना और रूस। तो इसको लेके यूएस ने भी भारत को बहुत सारी बातें कही है कि भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ऐसा बताया गया है यहाँ पे कि मान लो कि लद्दाख पे, जैसे कि 2020 में गलवान में आप देखेंगे कि चीन ने अटैक किया था, तो वो तो सेम ही अटैक है। यहाँ पे यूएस द्वारा कहना है कि ऐसा फिर से भी हो सकता है, फिर से हो सकता है, तो कौन सपोर्ट करेगा इनका? कोई सपोर्ट नहीं करेगा भारत का, जैसे कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना का कोई, चाइना का भी लोग मतलब कि चाइना के अगेंस्ट में भारत को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो भी तो देखेंगे तो अतिक्रमण ही कर रहा है। जैसे कि रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पर, तो जो अगर चाइना भी अटैक कर देता है समझिए कि भारत पर, तो कोई क्यों सपोर्ट करेगा जब तुम मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो किसी भी कंट्री को? अगर कोई कंट्री कमज़ोर है यहाँ पर, तो उसके ज़मीन को कोई कैसे ले सकता है, यहाँ पर यूएस ने कहा है। तो ये सब बातें कही गई है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, चाहे आप देखेंगे कोई भी कंट्री के साथ युद्ध होता है, तो युद्ध उसको खुद ही लड़ना होता है। कोई कंट्री किसी का सपोर्ट नहीं करता, उसको खुद ही युद्ध लड़ना होता है। अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो वो अपने मतलब एरिया को प्रोटेक्ट कर पाता है, अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है तो वो एरिया को नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है। ये आपको हमेशा से देखने को मिलेगा। बाकी ये सब जो कंट्री हैं वो लोग कहते रहते हैं, उनका अपना मोटिव है, वो फुलफिल करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो यूक्रेन का यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है जितने भी कंट्री द्वारा, तो फ्री में थोड़ा ही सपोर्ट किया जा रहा है, पूरा पैसा लिया जा रहा होगा? जितना भी आर्म्स हथियार बेचे जा रहे हैं वो मतलब दिए नहीं, बेचे जा रहे हैं, आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। और यूएस का हमेशा से यही पॉलिसी रहा है कि दो देशों के बीच में युद्ध भड़काओ, मतलब युद्ध जैसा माहौल क्रिएट करो, और वहाँ पे आर्म्स जाके एक्सपोर्ट होने लगता है। आप देखेंगे ताइवान से विवाद बढ़ाता है, तो पूरे ताइवान से विवाद बढ़ाने में यूएस का ही हाथ था, यूएस के ही नैन्सी पोलोसी जो थी वहाँ आती हैं। तो अब ताइवान में लोगों को तो डर बैठे गए, अब डर जैसे बैठेगा तो वहाँ पर हथियार आपको ख़रीदने पड़ेंगे, तो हथियार कहाँ से आएगा? हथियार बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा यूएस से ही आएगा। तो ऐसा ये लोगों का फॉरेन पॉलिसी का एक टूल ही होता है जो आप देखेंगे यूएस का। चाहे जो भी बड़े कंट्री हैं, अगर शांति रहेगी पूरे विश्व में, तो फिर हथियार ये लोग बेच कहाँ पाएंगे? और इनके जीडीपी में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, आर्म्स इंडस्ट्री, ये सब जो डिफेंस सेक्टर होता है इसका बहुत बड़ा एक हाथ होता है। तो इन सब के लिए ये लोग बार बार देखेंगे कि हर एक जगह पर ऐसा बनाते हैं माहौल कि वहाँ पर युद्ध जैसा माहौल बने, कहीं कहीं पर युद्ध होता भी है और इनके हथियार बिके। तो अभी देखेंगे भारत के मतलब नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये गए थे, और उसके बाद जो जेलेंस्की हैं, तो इन्होंने बताया था कि ये खूनी जो है, खूनी से और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यहाँ पे मिल रहे हैं, इस पर कटाक्ष की थी और बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी जो जेलेंस्की थे। तो यूक्रेन के सामने अब नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये बात को उठाए हैं, मतलब कि बात उठाए नहीं है, भारत ने यहाँ पर विरोध प्रकट किया है कि ऐसे बयान से इनको बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए किसी भी देश को, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो अलग है रूस से, आपका रिश्ता अलग है आपसे, युद्ध चल रहा है, तो अब हम भी तो सपोर्ट, हमें भी तो अपना फॉरेन पॉलिसी देखना है, हमें भी चीन को काउंटर करना है, वेस्ट को काउंटर करना है। अभी पाकिस्तान से मीटिंग, पाकिस्तान से नज़दीकियाँ बढ़ रही है रूस की, तो हमें वो भी बैलेंस करना था। फिर वेस्टर्न जो कंट्री है, आप देखेंगे कि G7 की मीटिंग हुई थी, चाहे आप देखेंगे अभी नेटो कंट्री की मीटिंग हुई थी, उसमें भारत को नहीं बुलाया गया था, बाकी सभी कंट्रियों को बुलाया गया था। और आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे क्वाड के जो भी सदस्य थे उनको बुलाया गया था, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया गया था। तो इंडिया ने भी यहाँ पे एक फॉरेन पॉलिसी के तहत वेस्ट को दिखाया था कि अगर तुम लोग ज़्यादा मतलब कि अपना गुट बनाते हो, चाहे हमें शामिल नहीं करते हो, तो हमारा भी जो पहले का दोस्त है वो है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो फिर इन लोगों के इसमें चीर क्यों मच रही है? तो ये है बड़े, सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मॉस्को में दुनिया के सबसे कुख्यात खूनी अपराधी के गले मिले। इन्होंने ये बात यहाँ पे, जेलेंस्की ने ऐसी टिप्पणी की थी, मतलब ट्विटर पे आप देखेंगे इन्होंने ट्वीट किया था। तो यही क्यू के सामने ये मुद्दा अब ऐतराज़ उठाया है भारत ने, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है जो आपको मैं नीचे बताऊँगा। फिर आपको देखने को मिलेगा ये रिपोर्ट के तहत कल्चर वार्मिंग एक ग्रुप है, एक निर्धारित देखेंगे बैठक थी जिसको यूक्रेनी राष्ट्रपति रद्द कर देते हैं, यहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि। और भारत ने यूक्रेन के बीच जो ये बात थी, तो इटली में G7 सम्मेलन भी हुआ था, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मिल भी चुके थे,
और दोनों देशों के बीच बात भी हुआ था, बात भी हुआ था, फिर भी यहाँ पे ये बयान। और अमेरिका ने भी जताया था, एतराज़ जताया था, तो अमेरिका तो यहाँ पे खुल के सामने आए गए हैं। अब अमेरिका यहाँ पे मतलब दोनों तरफ से बात किया था कि इंडिया का जो है रूस के साथ अच्छा रिलेशन है, तो ये लोग अपना बात तो कर ही सकते हैं, लेकिन मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी का जाना वहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से सपोर्ट हो गया, वहाँ पे रूस के लिए। ये कहना था यूएस का, और रूस को सपोर्ट करना यानी कि तुम विस्तारवादी और फिर यहाँ पे जो भी कंट्री है इसको सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि चीन भी तुम्हारे पे अगर अटैक करता है तो अगर चीन को कोई सपोर्ट करे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। तो चीन जैसा ही सेम, मतलब यहाँ कहना है जैसे चीन ने लद्दाख में अटैक किया था सेम वैसे ही रूस ने अटैक किया है, तो ये सेम उसको मतलब कह के इन्होंने बताया है, भारत को चेताया भी है। और पिछले शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था, और ये शिखर सम्मेलन होते रहता है जो रूस और इंडिया का है, तो 2021 में हुआ था जब रूसी राष्ट्रपति देखेंगे पुतिन दिल्ली में आए थे, तब जाके मीटिंग हुई थी। कभी मोदी जी जाते हैं और फिर पुतिन यहाँ पे आते हैं, और यूज़ के बजाय बातचीत से, मोदी जी ने बोला भी था कि बातचीत से मुद्दा को हल करना चाहिए। अब डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते हैं कि तुम युद्ध रोक दो, ये उन लोगों का आपस का मैटर है। नेटो कंट्री विस्तार कर रहा है, समझिए नेटो एक तो पहले से ही 31 देश उसमें है, फिर अब ये लोग सभी देशों को शामिल करना चाहते हैं। रूस के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रूस भी हमेशा से बोलता आया है कि नेटो बिल्कुल हमारे सीमा पे आके बैठ जाएगा, थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नेटो का आप देखेंगे कि नेटो में एक कंट्री पे अटैक किया जाता है, चाहे युद्ध होता है तो सभी कंट्री मिल के अटैक करते हैं, तो रूस के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है रूस पे अगर सभी कंट्री मिल के अटैक करते हैं। और थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट लगते रहता है, अगर किसी के साथ आपका बाउंड्री है तो उस देश के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि डेवलप कंट्री ही कर पाते हैं, लेकिन अंडर डेवलप कंट्री या फिर देखेंगे डेवलपिंग फेज में जो कंट्री होते हैं उनके विवाद हमेशा से रहते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए पुतिन, अब उन लोगों का आपस का मुद्दा है तो वहाँ पे युद्ध चल रहा है, और युद्ध ख़त्म भी हो जाता है लेकिन यूएस चाहता ही नहीं है, यूएस चाहता है उसके हथियार यूज हो रहे हैं, सैनिक उसके एक भी मर ही नहीं रहे हैं, हथियार भी बिक रहे हैं, रूस कमज़ोर भी हो रहा है, तो उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। और मॉस्को की यात्रा पर तीखी यहाँ पे प्रतिक्रिया जो मैंने बताया अमेरिका ने दी थी, तो ये सब बात की गई है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को आर्टिकल पता चलते रखें। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।